पूरा शिवलिंग के अंदर ही मंदिर को बनाया गया है। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि सुबह हो चुका है और मैं और ये हैं सुबोध, ये दोनों लोग जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। बाल इसलिए कटवाना है भाई, जैसे कि आप देख रहे हो ये सब बड़े हो गए हैं। तो अभी यहाँ से मुझे मार्केट में जाना है, तो मार्केट यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है, तो हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं। गाइज, अभी आप मुझे जहाँ देख रहे हो ये है हमारा मार्केट। मार्केट मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वहाँ का मार्केट। मार्केट बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा घनी आबादी नहीं है इस मार्केट में। तो भाई साहब, आज का बाल इसी जगह पे कटेगा। ये चाचा अभी नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता वास्ता कर लें तब कटेगा बाल। तो भाई साहब, अभी चल रहा है सुबोध के बाल का कटाई, आप देख सकते हो। हाँ, इनके बाल में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इनके बाल में भैया लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप काटिएगा मत। भाई साहब, देख सकते हो बाल की कटाई हो चुकी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। पानी पीने वाला जो बॉटल होता है वो टूट चुका है, तो उसके लिए मुझे एक नया बॉटल लेना था। तो जनरल स्टोर है वहाँ पे मुझे मिल जाएगा बॉटल। मिल जाएगा क्या बॉटल? दिखाइएगा बॉटल, पानी पीने वाला। तो वह कहाँ लगनी हो, क्या रेट है इसका? है 30 रुपये वाला ले लीजिएगा, यही वाला दीजिए 30 वाला। जैसा कि मैं अभी गया था मार्केट में बाल कटवाने के लिए, बाल कटवा करके मैं वापस आ चुका हूँ। बाल कटवाने के बाद बाल चिपका रहता है अंदर, तो नहाना ज़रूरी था, तो मैंने नहा लिया। और अभी नहा धो करके मैं सुबोध को लूँगा। सुबोध को ले करके निकलना है एक स्पेशल जगह, आपको मैं आगे दिखाता हूँ। मैं फाइनली तैयार हूँ उस स्पेशल जगह पर जाने के लिए, और मेरे साथ हैं सुबोध। सुबोध और ड्राइव यही करेंगे, तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग तुरंत। अभी हम जहाँ पे हैं ना, ये है मठना मार्केट, और ये जो आप देख रहे हो ये नहर है, ये गंगा से निकलती है नहर। ये है रामनगर, रामनगर वाराणसी, और सुबह के टाइम पे दुकानें खुल जाती हैं, जिसके वजह से ट्रैफिक आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। आगे है चौराहा, रामनगर का चौराहा, यहाँ से हम लोग घूमेंगे लेफ्ट, और यहाँ से लगभग 200 मीटर पे है रामनगर किला। ये सीधा रोड चला जाता है रामनगर किला के लिए, और आगे रामनगर ब्रिज भी इसी रास्ते पे पड़ता है। इसको लोग किला रोड भी कहते हैं, किला रोड है क्योंकि जस्ट सामने, यहाँ से मैं अभी जूम करके दिखाऊंगा आपको ना, वो सामने वाला जो वहाँ का गुंबद है किले का वो दिखता है, इसीलिए इसको किला रोड कहा जाता है। मैं अभी दिखा रहा हूँ, वो सामने दिख रहा है ना, मैंने जूम किया है, वो सामने देखिए वो गुंबद दिख रहा है, इसीलिए इसको किला रोड कहा जाता है। पूरा जस्ट एकदम आपको सामने ही दिखेगा। यहाँ पे एक मूवी का शूटिंग हुआ था, रांझना करके मूवी आई थी धनुष की, यहीं पे उसकी शूटिंग हुई थी। मैं उसको बाद में अपने वीडियो के माध्यम से ना आपके यहाँ तक पहुँचाऊँगा, लेकिन अभी मैं तो दूसरे जगह जा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि यहीं पे मूवी की शूटिंग हुई थी, आप गाने में देख सकते हो। सुबह इधर साइड में रोक लेना। ये देखो, ये है गंगा नदी, तो बनारस जो है ना गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और ये सुबोध मेरे साथ में आए हैं। वहाँ पे जो दिख रहा है ना, वहीं पे किला है, रामनगर का किला वहीं पे है। मैंने जूम किया है, पता नहीं आपको साफ दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि अभी धूप भी है ना, तो इतना समझ में नहीं आ रहा है। मतलब रामनगर जब भी आना होता था किसी को, तो उधर से घूम करके आना पड़ता था, मतलब राजघाट ब्रिज है वहाँ से घूम के आना पड़ता था,
लेकिन इसके बनने की वजह से आवागमन के लिए बहुत आसानी हो गया। ये रोड जो बन गया, ये BHU और रामनगर को सीधा जोड़ता है ये वाला ब्रिज। तो आगे चलते हैं, मैं बता दूं मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। एक भानखंडी या वानखंडी, मतलब दोनों नाम से है, गूगल पे आप सर्च करोगे तो दोनों नाम से मंदिर है। वहाँ का आपको व्यू दिखाऊंगा। तो गाइस चलते हैं। मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि गूगल मैप भी नहीं बता पा रहा है कि बनखंडी महादेव मंदिर कहाँ पे है। हम ये चाचा से पूछते हैं, रिक्शा वाले हैं, इन्हीं से पूछते हैं। इनसे चाचा, बनखंडी महादेव मंदिर कहाँ पे है? बनखंडी महादेव एक बगल में। वहाँ से रोड गया है क्या? कहाँ? बनखंडी महादेव के लिए। हाँ, रोड है। मुझे बता दिया है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे, ये आगे से मुड़ने के लिए है, यहाँ से निकलेंगे। सुबोध ना, आगे से ही घुमाना है। अभी यहाँ पे चल रहा है रेड लाइट, रेड लाइट में रुकना जरूरी है भैया। कॉलोनी है ये वाला रास्ता है इस कॉलोनी का, ये सीधा उसी मंदिर के पास जाएगा। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, गली में आ गए हैं, देखते हैं कितना दूर है। अभी खुदाई का काम चल रहा है ना, तो इनके द्वारा बताया गया है कि आगे से आप सिग्नल के पास से 50 मीटर आगे जा करके फिर 50 मीटर लेफ्ट होना है, वहाँ पर मंदिर आ जाएगा। नहीं तो हम लोग यहीं से निकल गए रहते, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि आप निकल नहीं पाओगे, आगे बहुत सीवर का काम चल रहा है। तो आगे से हम लोग चलते हैं। ये बनखंडी महादेव मंदिर आगे। सो गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं, देखिए मंदिर, मंदिर का दृश्य ये है। मैं सामने वाले गेट से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए सामने से। और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, आचार्य स्वामी गणेश दास श्री साधु बेला आश्रम B2/260 भदैनी वाराणसी में आता है। गेट से एंट्री करने के बाद कुछ इस तरीके से है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इस तरीके से पूरा शिवलिंग के अंदर ही मंदिर को बनाया गया है, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। देखोगे ना इस मंदिर की खासियत क्या है कि आपको चारों तरफ ये भगवान शिव का शिवलिंग मिलेगा। मतलब ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये ज़्यादा बड़ा होने के कारण फ़ोन में तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन ऐसे ही आपको चारों तरफ मिलेंगे ये शिवलिंग। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही चारों तरफ शिवलिंग है। मंदिर का दर्शन हो चुका और हमने पूजा पाठ भी कर लिया है। आप बताना आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, ऐसे ही मैं इंटरेस्टेड वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को अगर देख रहे हैं तो भैया जी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महादेव।